सनफ्लावर तो कट गई और सनफ्लावर भाई ट्रॉली फुल भी नहीं हुई देखो। चलो तो भाई कॉर्न का खेत भी कट गया, अपनी मक्की भाई सारी कट गई है ये बाय। तो ये भाई आखिरी सोयाबीन और तीनों खेत अपने फिनिश हो चुके हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अभी आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ FS22 फार्मिंग सिमुलेटर 22 यानी के, और भाई ये है कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली चैलेंज। तो भाई आप बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट करो, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का मिशन ये सीरीज शुरू करी है। तो पिछली बार मेरे पास थे 72,000 या 75,000 रुपया डॉलर यानी कि, और पिछली बार भाई मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, 2 हार्वेस्टिंग के और 3 कल्टीवेटिंग के, क्योंकि भाई आलू कट ही नहीं रहा था। तो आलू जब तक कट रहा था मैंने कल्टीवेटिंग के जो 3 कॉन्ट्रैक्ट थे वो ले गए और पूरे कर। तो भाई पिछली बार मुझे मिला था $125, $125 मैंने गवाया, 125,000 सॉरी 125 नहीं। तो आज मैंने लिए भाई 3 कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े से, और चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। भाई पीछे देखो हल्टर लग गया, और देखो भाई अभी दिखाता हूँ जरा, मैंने पहले जरा इनको चालू कर, चल ओके यहाँ लगाता हूँ हेल्पर, क्योंकि यार ये इधर सड़क है ना, तो यहाँ पर काम जरा होगा नहीं चलेगा। तो भाई यहाँ पर देखो यार पुराने टाइप का लगा हुआ है, और चलते हैं इसके पास। तो यार बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये पानी उठा के फेंक रहा है ये, देखो इसके अंदर चले जाएंगे। ओ हाँ, ओह इसके ऊपर चढ़ गया। तो ये पुराने टाइप का होता था, आपने देखा था पहले बैल होता था वो पानी निकालता था, इसके अंदर नहीं जा रहा। अच्छा ये वैसी है यार, देख फुग्गा है ये, यानी कि खाली है, लेकिन ये काम वही कर रहा है, पानी उठा के फेंक रहा है। चलो चलते हैं वापस काम पे। और तो आज भाई काटनी है सनफ्लावर, आपको दिखा देता हूँ जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट। हाँ पिछली बार यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे ये 33,000 रुपये मुझे मिला था, $33,000 सोल्ड बेल्स। तो मैंने बेल कौन सी बेची थी यार, पता नहीं कहाँ से आ गए ये पैसे। और कॉन्ट्रैक्ट के मुझे पिछली बार मिले थे 57,000 और हार्वेस्ट इनकम मेरी हुई थी 11,000। तो भाई टोटल मिला के 125,000 हो गया। तो आज हाँ यार कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाई नहीं भाई। तो भाई आज मिला है 4 नंबर फील्ड 8 नंबर 16, 4 × 8 × 8 × 16। तो यहाँ पे काटनी है सनफ्लावर, और इसकी काटनी है भाई सोयाबीन, इसकी काटनी है कॉर्न। तो इसके आज मिलेंगे देखते हैं 10, 24 और 4, 5 मतलब $30,000 के आसपास मिलेंगे। तो हेल्पर ने भाई यहाँ से काट दिए, मैं यार इसको सीधा लगा क्योंकि खेत लंबा है, अगर मैं ऐसे काटता रहूँगा तो हेल्पर को बहुत चक्कर मारने पड़ेंगे। तो पहले खुद काम मैंने करा था, लेकिन अब भाई अपने लगाते हेल्पर, क्योंकि अपने पास पैसे हो चुके हैं काफ़ी सारे। तो 3 हार्वेस्टिंग करनी है, और 3 हार्वेस्टिंग 3 खेतों की हार्वेस्टिंग करते करते भाई मेरा तो दम निकल जाएगा अगर मैं अकेला करूँगा। ठीक है यहाँ लगा के चलते हैं हम, और उधर देखते हैं, उधर तो बहुत जगह है। अभी यार हेल्पर आराम से घूम सकता है। अब चलते हैं भाई अगले खेत में, यहाँ पर है भाई सोयाबीन, इसको मैंने लगा रखा है सेट, पहले कर दिया था इसको जरा लगा देते होने से। तो इस तरफ सड़क है, तो सड़क पे मैं जरा अपने आप को भी काट लेता हूँ थोड़ी सी, हेल्पर लगा के, और चलते हैं अगले खेत में। और आज भाई मिला हमें JCB का ट्रैक्टर और ट्रॉली मिली है, शायद पड़ी है 45,000 की। और आज इन्होंने ये दिया भाई एक ट्रक कॉर्न के लिए, तो चलाते हैं कॉर्न को, काटते हैं चलते। 3 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आज बड़े बड़े से, पिछली बार मैंने कॉर्न और आलू काटा था। तो भाई आलू में फायदा हुआ काफ़ी, लेकिन आलू काटने में बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत जान निकल गई उसमें आलू। अब एक शो अब अगर आपको दिखाऊं तो एक शुगर बीट का कॉन्ट्रैक्ट है ये, लेकिन भाई इसको करने में बहुत हालत ख़राब होगी, क्योंकि ये जो ट्रॉली दे रखी है ये 22,000 की है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। ये कॉन्ट्रैक्ट हम तब कर सकते हैं भाई जब ट्रॉली अपने पास बड़ी हो, 80-90,000 की ट्रक वाले की, जो ट्रक के साथ ट्रॉली लगती है ना बड़ी वाली, वो होती है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 80-90,000 50,000 ऐसे। तो चलो एक बार मैं इनको जरा सेट कर देता हूँ हेल्परों को, फिर देखते हैं उसके बाद कितना काम आ चुके, कितने पैसे मिलने वाले हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो भाई एक है बेलिंग का, तो इसकी भाई की घास भी काटनी है, बेल भी बनानी है, उसको रैप भी करके यानी सैलेज बेल बनानी है, फिर बेचना भी है। तो भाई इसमें हालत ख़राब हो जाती है, बेलिंग बहुत मुश्किल होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट सोच समझ के लेना। और आलू शुगर बीट गाजर प्याज जो फसलें ज़्यादा मिलती हैं इनको भी ध्यान से लेना चाहिए। बाकी कॉर्न सनफ्लावर सोयाबीन बीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया होते हैं, फटाफट हो जाते हैं। तो बस इसकी एक लाइन काट देते हैं। और यार पीछे क्या है कि नहर है, तो
तो पानी के अंदर हेल्पर गिर जाएगा तो भाई फिर सेट रीसेट करना पड़ेगा, और इन तीनों फसलों को बेचना भी है। और यार ये मौसम बारिश का कैसे हो दिखा रही है, बारिश तो नहीं होने वाली। कॉन्ट्रैक्ट ऑन फील्ड नंबर 4 10%, क्योंकि वो सनफ्लावर का जो फील्ड है ना वो बहुत ही छोटा है, तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे लगता है ये भी ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रक को भाई एक काम करता हूँ, मैं साइड में कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेल्पर आएगा तो फंसेगा। ट्रक जरा साइड में लगाते हैं। तो आज मिला भाई मैन का ट्रक, 3-1 लिखा हुआ है, और इसको क्योंकि अब हेल्पर यहाँ पर तो आएगा नहीं, इसको लगा देते हैं अभी साइड में यहाँ पर। ठीक है भाई, तू इतने खड़ा हो जा और हम चलते हैं आगे सनफ्लावर वाले के पास। तो ये छोटा सा है ना खेत, लेकिन ये क्या है कि इसका हेडर भाई बहुत छोटा मिला, ये 7-8 मीटर का हेडर है। और आज मिले हैं केस के ट्रैक्टर, केस के हार्वेस्टर 2, और एक मिला भाई काले रंग का। तो काला वाला आपको पता ही है फिर कौन सी कंपनी का होता है। और ये ट्रैक्टर हो गया, ये हो गया भाई केस का, ये हो गया भाई मैसी फर्गूसन का मिला भाई आज, आइडल का। तो आइडियल है, आइडल का है, लेकिन इसके ऊपर लोगो जो है वो लगी है उसकी, मैसी की, तो इसके ऊपर लोगो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं भाई आज 3 कॉन्ट्रैक्ट करके 30,000 तो मिलेगी हमें कॉन्ट्रैक्ट के, और बाकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो हार्वेस्टिंग के पैसे हमें मिलेंगे आज कितने, तो उसका मज़ा आएगा भाई, क्योंकि आज कम से कम $70,000-80,000 तो मिलना चाहिए। और हाँ, अब कई भाई कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट में मज़ा नहीं आ रहा, अपना काम करो, तो भाई अपना काम मैं तब कर सकता हूँ जब मेरे पास अपना खुद का हार्वेस्टर हो, खुद का ट्रैक्टर हो, फ्लो हो, कल्टीवेटर हो, फर्टिलाइजिंग के लिए मेरे पास मशीन होनी चाहिए। तो भाई ये सारा सामान लेने के लिए कम से कम मैं सही बताऊँ तो 7-8 लाख डॉलर से लेके $10 लाख, यानी कि $1 मिलियन चाहिए। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 लाख ही है, तो मैं 5 लाख जब हो जाएगा मेरे पास तब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ, तो फिर मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, और अपना भाई फील्ड पे भी अपना, जो मेरे पास एक खेत है छोटा सा 27 नंबर का, तो उस पर मेरी कॉर्न लगी है, मैं वो काट के बेच सकता हूँ। लेकिन अभी नहीं यार, अभी तो अगर मैं किराए पर लूँगा हार्वेस्टर ट्रॉली ट्रैक्टर सब, तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतना मैं कमाऊंगा नहीं कॉर्न से, उतना उससे ज़्यादा तो किराया लग जाएगा, तो बाद में देखते हैं अभी तो फिलहाल। और ये यहाँ पर यार देखो, तो एक काम करते हैं हेल्पर को भाई घुमा देते हैं, क्योंकि यार ये पेड़ है यहाँ पे, ये हेल्पर फंस जाएगा। तो ये कॉर्न होगी मेरे पास 77%, इसको मैं एक बार डाल देता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो ये भर जाएगा दोबारा खाना पड़ेगा। और अच्छा है कि यार इसका पाइप काफ़ी ऊँचा है नहीं तो ट्रॉली में फंस जाता। तो इसके अंदर हेल्पर मतलब इसके अंदर हार्वेस्टर में बैठना पड़ता है तब माल डालता है, लेकिन FS-19 में क्या था, उसके नीचे लेके जाते थे तो अपने आप ही फसल आ जाती थी, लेकिन भाई इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें हार्वेस्टर के अंदर घुसना पड़ता है। तो मैं एक लाइन यहाँ से उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि यार ये पेड़ है तो ये हेल्पर घूम नहीं पाएगा। मैं कहाँ गया भाई, पेड़ ही पेड़ आ गए। चलो थोड़ा सा खुद करते हैं काम, थोड़ी कॉर्न काटते हैं खुद ही। और ओह भाई थोड़ी सी रह गई, कोई नहीं, एक आधी रह गई है। तो पेड़ काफ़ी है यार इसके अंदर, और अक्टूबर का महीना आ चुका है, तो अब मैंने दिन की सेटिंग कर दी है, एक दिन कर दिया है, मतलब पहले मैंने 10 दिन करे थे एक महीने के, अब मैंने एक दिन कर दिया। क्यों, क्या होता है कि अगर मैं 10 दिन करता हूँ ना, तो उस 10 दिन में सारी फसलें जो हैं एक ही मिलती हैं, यानी कि सीजन के हिसाब से। तो पिछली बार मैंने सोरगम के कॉन्ट्रैक्ट थे बहुत सारे, तो फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। अब क्या है कि अलग अलग मिलती है फसलें, जैसे कॉर्न मिल गई, सोयाबीन मिल गई आज कॉर्न, और अपने को सनफ्लावर मिल गई, तो अलग अलग फसलें काटने में भाई मज़ा भी आया। एक ही फसल काटेंगे बार बार बोर हो जाएंगे। चलो भाई ये हो गया इसका यहाँ से काम, ये ओ अच्छा अच्छा भाई खेत टेढ़ा है, ये खेत टेढ़ा है, कोई बात नहीं, एक दिन यहाँ से बुढ़ानी पड़ेगी। आजा पीछे वर्कर, एक मिनट यार, एक वर्कर खड़ा क्यों हो गया भाई, उसको जगह नहीं मिली। देखा वर्कर फंस जाते हैं, काम नहीं करते। ये क्या हुआ, यहाँ पे कौन कट्टी ली क्या, चल ओके, मैंने तक कोने कोने से कट्टी ली, नहीं कट गई भाई, बढ़िया। यहाँ पे हेल्पर लगा के चलते हैं, देखते हैं कौन सा हेल्पर फंस गया, सही काम कर रहा है।
एक मिनट, कौन से हेल्पर को जगह नहीं मिल रही? पता नहीं अभी लिखा तो आया, तो यहाँ पर नहर थी पीछे, और हाँ इसके इधर भी नहर है, तो अब इसने काट दिए दो लाइनें, अब इसको हटाते हैं यहाँ से। चल गया इधर, अब इसको लगाता हूँ मैं सीधा। ये लाइनें मैंने इसलिए काटनी है क्योंकि पीछे सड़क भी है और इधर नहर भी है। बस ठीक, पेड़ की वजह से इसने काटा नहीं यहाँ पे। चल भाई ओके कर दे चालू, ओके चल सीधा सीधा। तो इन कॉन्टैक्ट को अब देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। अभी तो आज ही कॉन्टैक्ट लिए थे मैंने 5 सुबह, अभी दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। देखते हैं आज ये कितने घंटे में होने वाले हैं, एक मुझे लगता है 1:30 बजे तक हो जाएंगे। चल भाई काट फटाफट, सोयाबीन भाई मिल गई इसको 78। तो पहले एक ट्रॉली में भर लेता हूँ, उसको देखता हूँ कहाँ पर बिकेगी, और उसके फिर बाद बेच के फिर भाई आगे का काम करेंगे शुरू। अभी और कोई है नहीं है, कोई और कॉन्टैक्ट नहीं है कल्टीवेटिंग वगैरह का, नहीं तो मैं वो ले सकता हूँ। अभी देखो तो बेलिंग है, फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग में एक नुकसान है ना यार, कि हमें पता नहीं चलता कि उस खेत में कितना फर्टिलाइज़र लगेगा। तो ये मशीन अपनी हो तब फ़ायदा है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र बचेगा वो हमारे पास ही रहेगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा थोड़ा सा, फर्टिलाइज़र चला जाएगा मशीन के साथ। ये हो गया भाई 87% सोयाबीन, अब मुझे लगता है ये इस लाइन में हो जाएगा। यार वो क्या बना हुआ आगे? भाई गेट सा बना हुआ है नहर का। तो ये पंप जो नज़र आ रहा है मेरे को अभी 16 नंबर खेत के पास, यहाँ पर नहीं 16 नहीं है यार, ये 8 नंबर है, 8 नंबर, 8 नंबर कहाँ गया, ये रहा। तो इस पंप के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ये पंप यहाँ पे नज़र तो आ रहा है लेकिन कुछ लिखा नहीं, जैसे ये लिखा है ना ये बायोगैस प्लांट है लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। चलो कोई तो भाई हो गया 95%। कहाँ गई जेसीबी? जेसीबी का ट्रैक्टर इसके साथ है। अच्छा तो ये ट्रॉली बड़ी है, अभी एक बार में तो भरेगी नहीं, ये 2-3 बार में भरेगी, क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 40-45 हज़ार। चलते हैं इसको लेके हेल्पर के पास फटाफट, ट्रैक्टर भाई जेसीबी का आज फौरन कैसा है। ओए होए माशाल्लाह भाई, पुंगी वाले हो रहे इसमें, इन सब मतलब ये लगाते नहीं है, अब तो इनको हॉर्न चेंज करने चाहिए यार, बढ़िया बढ़िया लगाना चाहिए। लो भाई हो गया उसकी ट्राली पर, हो गया भाई, एक मिनट घुमा लो जरा इसको। चल भाई क्या स्पीड होती है जेसीबी ट्रैक्टरों की यार, भाई माने हुए हैं जेसीबी के ट्रैक्टर, जेसीबी आपको पता ही है ये। चल भाई डाल दे इसके अंदर, वर्कर फुल ग्रेन 80%। अच्छा मुझे लगता है सोयाबीन भी हो गया, तो इसको चला, इसको छोड़ के चलते हैं इसको। अरे एक मिनट, इसके अंदर हुआ है क्या 80%? हाँ इसके अंदर हो गया, ये कहाँ काटने लगा। अच्छा अच्छा तो भाई ये खेत टेढ़ा था तो इसने थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी काट दी, कोई बात नहीं इसको अभी काटने देते हैं। यार इसकी कैपेसिटी इतनी है बस 10,000, भाई आइडल की कैपेसिटी तो 17,000 होती है, 18,000 FS19 में तो 18,000 थी, इसके अंदर देखो तो भाई 10,000 की कैपेसिटी दिखा रहा है। यहाँ पर भी पेड़ है यार, ये साइड भी काटनी पड़ेगी। और सोयाबीन कितनी कट गई? 95%। चल भाई तू भी चल फटाफट, ये ट्रॉली छोटी है भाई, इस ट्रॉली की कैपेसिटी है 22,000, इसमें ये बेचनी पड़ेगी सनफ्लावर जल्दी जल्दी बेचनी पड़ेगी। चल भाई इसे लेते हैं, एक मिनट इसको रुक में देते हैं एक बार, तो सनफ्लावर तो 2 बार में कट जाएगी भाई, ये इसके पैसे भी तो कम मिल रहे हैं, $5,000 मिल रहा है। डाल दे भाई डाल दे, ये ट्रॉली ऊंची है। ओह यार डर तो, रुक जा रुक जा रुक जा, अबे रुक जा भाई रुक जा, चलो एक बार इसको जाने दो यार, काट ले भाई तू काट ले पहले, आजा 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 अब। एक वापस चलता हूँ, 99% हो गई है, 1% बची है, ये डालते नहीं है जब तक मतलब फुल नहीं होता, खड़े नहीं होते भागते रहते हैं, डालनी चाहिए।
हेडर बहुत छोटा है, नहीं तो अभी तक तो खेत कट जाता भाई। ये हेडर 7-8 मीटर का। चल भाई ओके तो देगा यार। एक ट्रॉली अपनी सीधी करो यार पहले। रेडियो ओ भाई पीछे खंबा आ गया, पीछे खंबा आ गया रे। बस चल ठीक, अब ठीक लो भाई। ये आई अपनी सनफ्लावर, तो उधर ये भी भर गई। सॉरी मौसम बदल रहा भाई, ठंड ठंड लग जाती जल्दी मेरे को, जुकाम सा हो गया। अभी जब तक मौसम पूरी तरह बदलेगा नहीं ना, तब तक ऐसी रहेगी तबीयत। चलो हो जाएगी ठीक। चल भाई डाल दे, पोस्ट रो डालते हैं यार ये। तो भाई आ गई सनफ्लावर, ये सनफ्लावर का बीज है देखो, काली काली ऐसा लग रहा है, काले रंग, काला जीरा होता है ना, शाह जीरा वैसी लग रही। तो इसके अंदर आई है अभी 10,000। वो अभी तो और आएगी, अभी तो यार कोई ट्रॉली फुल नहीं हुई। तो चलो एक काम करता हूँ मैं, इसको और इसको ट्रॉली को और इसको भाई तीनों को, ये लो भाई इसका तो काम हो गया। चल चल तो मैं इनको फुल करता हूँ एक बार पहले, फिर उसके बाद चलते हैं इनको बेचने, देखते हैं। तीनों भाई बेचनी पड़ेंगे अलग अलग जगह पर, तो मैं इनको पहुँचाता हूँ वहाँ पर, देखते हैं क्या होगा। अभी इसके अंदर कॉर्न हमें मिली है 16, 10,000। तो बहुत बहुत दूर ये खेत थोड़ा टेढ़ा है, इसको मुझे काटना पड़ेगा खुद ही। चल भाई पटापट, तो अपना काम मैं शुरू करूँगा यार। अपने फील्ड पे भी काम करेंगे, लेकिन जब भाई कुछ पैसे तो हो जाए, ताकि कुछ सामान तो खरीद सकूँ। इसको पाइप देखो भाई कितना लंबा है, इसकी कैपेसिटी लेकिन पता नहीं इतनी कम क्यों है यार, इतनी नहीं होती, ज़्यादा होती है। चल भाई डाल दे यार, इसको हटा दूँ मैं एक बार। कौन सा था? अच्छा सारे हटा दूँ। चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं, एक एक ट्रॉली फुल कर लेते हैं, फिर चलते हैं बेचने, देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे आज कॉन्ट्रैक्ट से। तो लो भाई सनफ्लावर तो कट गई, और सनफ्लावर भाई ट्रॉली फुल भी नहीं हुई। देखो सनफ्लावर मिली है अपने को टोटल 24,000, और खेत कट गया पूरा, क्योंकि खेत छोटा सा था इसलिए ट्रॉली फुल नहीं हुई। तो इसको लेके पहुँचा हूँ मैं, तो भाई जो बाल जहाँ पर बेचना है वहीं पर बिकेगा, कहीं और मत बेचना। कॉन्ट्रैक्ट पूरा, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर कम्प्लीट नहीं होगा नहीं तो। तो ये कभी अपने सनफ्लावर देखते हैं कितने पैसे मिलने वाले हैं इसके अंदर से। अभी कुछ बड़ा ही नहीं पैसा यार, अबे यार इसमें से कुछ मिला ही नहीं। मिल गया मिल गया मिल गया, लो भाई 5,196 रुपये मिले हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के थे 4,000 और भाई फसल के मिले 5,000, तो टोटल मिल गया 9-10,000। अब चलते हैं। अच्छा हाँ सनफ्लावर भाई, ये सोयाबीन का खेत पूरा कट गया है, और ये खेत सिर्फ एक ट्रॉली इसकी फुल हुई है, और बाकी इसके अंदर 13,000 है। और हार्वेस्टर इसके अंदर से मैंने भी हेल्पर को हटा दिया, क्योंकि भाई इसका टैंक फुल हो चुका है और अपनी ट्रॉली भी फुल हो चुकी है। देखो तो चलो कॉर्न बेचते हैं सबसे पहले। कॉर्न अपने को मिली है भाई 60,000, तो अभी ये कॉर्न काटने में टाइम लग रहा है, तो देखते हैं अभी कॉर्न एक बार और बेचनी पड़ेगी। ओ भाई ये क्या हुआ यार, ट्रैक्टर भाई छलांग मार के उधर को चला गया। अरे ट्रक आ जा भाई, मैन के ट्रक तू छलांगा क्यों मार। चल भाई डाल देते हैं यहाँ पे कॉर्न, और ये क्या भाई अपने कॉर्न। अभी तो मुझे लगता नहीं है कोई पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा खेत पड़ा है बाकी, तो बाद में मिलेंगे उसके पैसे। कॉन्ट्रैक्ट ऑन फील्ड 60% कम्प्लीट। लो भाई 59% भाई, अभी तो कॉर्न और लानी पड़ेगी। तो अभी बस इसको करते हैं बंद, चलते हैं बैक। अरे कहाँ गई ट्रॉली, तो ये मिली है सोयाबीन, एक ट्रॉली फुल हुई है इसके साथ 52,000। तो अभी एक ट्रॉली और लानी पड़ेगी मेरे को, तो कॉर्न और सोयाबीन की एक ट्रॉली और भर के लानी पड़ेगी, फिर मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे। सनफ्लावर वाला तो ख़त्म हो ही गया, उसको देखते हैं अभी, उसके पैसे लेते हैं। तो पैसे मैं सबके बाद में इकट्ठे लूँगा, क्योंकि यार तब कुछ हिसाब किताब पता रहेगा ना कितने पैसे हुए। चल भाई चल चल, ये गई सोयाबीन, अभी इसके पैसे कुछ नहीं मिलेगा भाई। 84% हो गया, बाकी इसकी एक ट्रॉली और भर के लानी मेरे को। और यार ये इतनी दूर है पॉइंट, और अपना खेत भाई उस कोने पे है 16 नंबर। तो चलो मैं इसको लेके वापस जाता हूँ दोनों ट्रॉली को, और उस कॉन्ट्रैक्ट को तो वापस कर ही दें यार। एक मिनट रुक जाओ यार इसको। तो ये तो कम्प्लीट हो गया, देखो इसके मुझे मिले 3800 और 5,000 उसके। कलेक्ट करते हैं इसको,
तो हमें टोटल अपने पास हो गए 2,11,000 है, यानी कि $10,000 आसपास, $10,000 के आसपास मिल गए। चलो इनको लेके चलता हूँ, इनको भरता हूँ और फिर ला के भेजते हैं। चलो भाई, कॉर्न का खेत भी कट ही गया, अपनी मक्की भाई सारी कट गई है और बस थोड़ी सी बची है, आखिरी लाइन कट रही है। मैं कहा चलो यार इसको भेज दें फटाफट, पर ट्रॉली अपनी फुल नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी बची है। तो बाकी जो सोयाबीन की ट्रॉली थी भाई, उसको मैंने पहुंचा दिया जहां पर माल बिकना है। और ये बात भी जुड़ रही है भाई, थोड़ा सीधा करो इसको नहीं भाई। चल तो यार, सोयाबीन और सनफ्लावर कटने में तो बहुत जल्दी, काफ़ी मतलब जल्दी कट गई, और इसमें बहुत टाइम लग गया यार। इसका हेडर काफ़ी छोटा है, तो इसके हेडर बड़े बड़े थे, लगता है 14-15 मीटर के, ये थोड़ा छोटा है। चल भाई, काट फटाफट से चले इसको बेचने। और यार ये ट्रॉली नहीं आई है, देखो लिखा है न्यू 3-1 भाई, पहले ये आती थी सिर्फ रेड कलर की, अब इसके ऊपर ये लिखा है 3-1। तो ये कोई कंपनी वंपनी है क्या? लो भाई, कौन हो गई ख़त्म अपनी फिनिश मक्की। लो भाई, मक्की बढ़ दी अपा सारी आज, ये बस हेल्पर चला गया काम ख़त्म करके, हेल्पर मांग लगा है वो। अब चलते बेचने इसको, वो भाई गुब्बारा उड़ रहा है ना पीछे, उसके पास ही बिकेगी। और ये भाई मैन का ट्रक, और ओ कट गया भाई। ट्रक बढ़िया यार, छोटा है लेकिन अंदर सोने की जगह नहीं है। और इसका हॉर्न कैसा है? ये भाई हॉर्न तो वही वही है। तो ये मैन अपना, और इसके गेयर देखो तो भाई, अभी दिखाता हूँ जरा। तो इसके गेयर देखो, 9-10 भाई, 11 स्पीड का, 11 गेयर है इसके अंदर, अभी 10वां ही लगा। फुल स्पीड है इसकी 81 की। तो मेन रोड से नहीं जाएंगे भाई, ट्रैफिक बहुत मिलता है। अंदर चलते हैं, अंदर से शॉर्टकट है यहाँ से। ये कच्ची सड़क बनी है ना, ये भाई खेतों में आने के लिए बनी रहती है, पगडंडी छोटी छोटी सी। यहाँ से चलते हैं सीधा सीधा, और सामने बिकेगी। ओ यार ये क्या आ गया, ये आगे क्या लगा यार? तो कैसा है ये ट्रक? बढ़िया लग रहा है। ओ भाई ये क्या आ गया, ओ यार ये क्या, कोई बात नहीं जंप लगवा देंगे यहाँ से। ये भाई उड़ गया भाई, उड़ गया ट्रक, मक्की ले गया ट्रक। देखा हवा में उड़ता, कभी नहीं देखा तो मैंने आपको दिखा दिया आज। तो यहाँ पर बिकेगी वो, देखो अपना जेसीबी इंतजार कर रहा है अपना, खड़ा हुआ अपना मुंडा पहले ही। तो पहले बेचते हैं इसको, कॉर्न बेच देते हैं भाई, कॉर्न में फ़ायदा होने वाला बहुत। चल देखते हैं कॉर्न में आज कितने पैसे मिलने वाले हैं। टोटल आज 2.5 लाख हो जाएंगे, नहीं होंगे कोई यार, ये पता नहीं क्या होता है इस ट्रक को, स्लैंग मार के इधर को हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि आज 2.5 लाख हो जाएंगे कि नहीं होंगे भाई, $50,000 का तो फ़ायदा होना चाहिए। लो भाई कौन गई अपनी, ये देखते हैं कितने पैसे मिलने वाले हैं। देखो देखो देखो, अभी तो पैसे बढ़ने शुरू नहीं हुए, अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ ना, अभी ख़त्म हो जाएगा। लो भाई, नोट आ गए। बस अब यार 78,700 रुपया, $7,800 मिले हैं भाई, 56,000, 5 लाख रुपये मिला यानी। चलो यार ओके, चल भाई लड़की, भाई आज हमने पहनी है कौन सी, आज जॉन्डियर की वर्दी पहनी है भाई, आज जॉन्डियर की वर्दी पाई है कुड़ी ने। चल कुड़ी है फटाफट। तो यार मैंने कहा लड़की ले लेते हैं, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा काम लड़कियां करती हैं आजकल लड़के तो गप्पे मारते रहते हैं इधर उधर, लड़कियां मेहनती हैं ज़्यादा। तो लड़कियों को नौकरी भी आसानी से मिल जाती है, लड़कों को नहीं मिलती चल भाई ओके। तो ये भाई आखिरी सोयाबीन, और तीनों खेत अपने फिनिश हो चुके हैं, और इसको डालते हैं अंदर, और बन जाएंगे धर्मेंद्र स्ट्रोटमैन। चल भाई डाल दे, ये थोड़ी सी है 13-14 हज़ार, इसके पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। सोयाबीन भाई 12,000 भाई, सोयाबीन के कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत फ़ायदा हुआ यार, 12,000 मिले इसके। अब अपने पास हो चुके हैं 2,31,000। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यहाँ पर तो हमें मिलने वाले 12,000 इसके और 22,000 इसके, तो 22,000 और मिलने वाले हैं। इसको करते हैं कलेक्ट, इसको करते हैं कलेक्ट, तो हमें मिले हैं टोटल, ओ भाई 2,53,000 हो गया, 2.5 लाख से ऊपर ही होगा यार। तो अभी देखते हैं, अरे यार इसमें कहाँ आ गया मैं। तो अभी बेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, फर्टिलाइजिंग है, दोनों बकवास हैं, मज़ा नहीं है बेलिंग में, तो बिल्कुल मत जाना भाई, जान निकल जाएगी। तो अब हार्वेस्टिंग करनी है सो इसकी शुगर बीट यार, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं करने वाला भाई। तो ये सोयाबीन की छोटी सी है, लेकिन अब इसका फ़ायदा नहीं है, तो एक काम करना पड़ेगा मेरे को, या तो मैं टाइम को तेज़ करके मतलब आगे करूँ तब कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, या फिर मैं दिन को आगे करूँ यानी कि अगला महीना लेके आऊँ।
तो फिर मिलेंगे नए नए कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेटिंग के और वगैरह, क्योंकि अब कल्टीवेटिंग नहीं हो रही, अब हो रही है हार्वेस्टिंग, तो कल्टीवेट के तब मिलते हैं जब हार्वेस्टिंग हो गई है, अब इसके बाद मिलेंगे। तो चलो अब करते हैं कुछ आगे जुगाड़, फिर होगा अगला काम। तो ये था आज का गेम प्ले FS22 का, कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली चैलेंज का अगला पार्ट। तो कैसा लगा आपको बताना कमेंट लाइक करके ज़रूर, और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए आए हो। और अपना काम मैं शुरू करूंगा तब जब मेरे पास 4-5 लाख डॉलर हो जाएगा। वैसे ये काम कर सकते हैं हम भाई, इसमें जाके अब देखो, जैसे ये ट्रॉली है, ये नई ट्रॉली मिलती है हमें 50-60 हज़ार डॉलर की, भाई ये मिलती है भाई 26 हज़ार की, इसकी कैपेसिटी है 45 हज़ार। तो इसको खरीद सकते हैं, प्लो खरीद सकते हैं। प्लो देखो अभी 63 -63 का मिल रहा है, यानी कि ये 70-80 70 हज़ार का होगा। और ये देखो ये भी सस्ती, दोनों चीज़ें हम मैं ले सकता हूँ अभी, लेकिन अभी मेरे को नहीं लेनी, अभी मैं बाद में लूँगा। तो इस पर नज़र रखनी पड़ेगी मेरे को। अगर इसके अंदर कोई हार्वेस्टर आता है अच्छा सा सस्ता, तो भाई उसको खरीद सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर आता है सस्ता, उसको मैं ले सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा अब कि क्या क्या इसमें माल आएगा, उसके हिसाब से जो पैसे होंगे मैं अपना सामान इकट्ठा करना शुरू करता हूँ, फिर हम अपनी खेती करेंगे। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो और भाई एकदम मस्त रहो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।